हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव बवरानी और मैं हूं आपकी होस्ट सुनीता। तो आज हम बनाने वाले हैं रुमाल से लड्डू गोपाल जी के लिए रजाई बिल्कुल नए आइडिया से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये दो रुमाल मैंने लिए हैं, नीचे से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हमें चाहिएगा ये फोम शीट और थोड़ा सा कॉटन। तो फोम शीट का एक लेयर मैंने कट कर लिया है बिल्कुल रुमाल के साइज में ही, और ये कॉटन को भी मैंने दो लेयर में अलग कर लिया है। एक लेयर को हम इसके ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से फैला लेंगे और दूसरी साइड में भी हम इसके कॉटन फैला लेंगे। ये देखिए फोम शीट को अब हमें इस तरीके से रख लेना है, इसके ऊपर भी हमें एक कॉटन शीट को फैला लेना है। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें दोनों रुमाल को कुछ इस तरीके से रखना है, एक के ऊपर एक, और अब इस फिलिंग को भी हमें इसके ऊपर रख लेना है। और अब ऊपर की साइड में हमें इसके एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाने से ये बुक जैसी हमारी कुछ रेडी हो चुकी है। तो अब इसके दोनों पार्ट्स को हमें फिलिंग को अंदर करते हुए स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे पर हमें इसके स्टिच लगाना है और फिलिंग को हमें अंदर करते जाना है। तो ये तीनों साइड्स में सिलाई लगाने के बाद हमारी रजाई का बेस बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की रजाई, लड्डू गोपाल जी के बहुत ही सुंदर से ब्लैंकेट और ड्रेसेस बनाना देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी स्किप ना करिएगा, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। तो फ्रेंड्स, रुमाल को कट करने के बाद जो फैब्रिक हमारा बच गया था उससे भी हम लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हूँ, जिसका वीडियो मैं आगे अपलोड कर दूंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। फ्रेंड्स ये देखिए, तीनों साइड्स में मेरी स्टिच हो चुकी है और ये रजाई का बेस बनकर रेडी हो चुका है। फोर्थ साइड पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है ताकि हमारी कॉटन इसमें फिक्स रह सके। अब ये देखिए, कॉटन इकट्ठी ना हो उसके लिए हम इसके बीच बीच में थोड़े से सिलाई लगाएंगे। तो उसी के साथ मैंने कुछ बीट्स भी अटैच कर दिए हैं ताकि कॉटन हमारी अंदर से बिल्कुल फिक्स रह सके। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी रजाई थोड़ी सी डेकोरेट भी हो जाएगी और कॉटन भी हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा रजाई के अंदर। तो ये देखिए, इस तरीके से सिंपल सिलाई से ही हमें सुई धागे से ही इस पर ये बीट्स लगा देने हैं। तो ये हमारी रजाई का है फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको ये रजाई बनाने का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।